पुष्पावती गंगा में स्नान करने से, हाथ में रक्षा सूत्र पहनने से, परम पुष्पा सदगुरुवासी हाथीवन भाई का दर्शन करने से आपके जीवन में परिवर्तन होता है, आपकी संपूर्ण विधान कट जाते हैं। और पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर 251 मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं। लोग पूछते हैं 251 क्यों? भगवान विष्णु के 24 अवतार ही तो हैं, 9 देवियां ही तो हैं। मैंने कहा भैया इस चक्कर में आप मत पड़ो, हम इसलिए 251 मंदिर बना रहे हैं कि आपकी व्यवस्था जहां से भी बिगड़ी हो, जो भी आपका रक्षक हो, जो भी आपका व्यवस्थापक हो, जो आपकी व्यवस्था को बना सकता हो, जिस समुदाय में जिस शक्ति से जहां भी तुम्हारी आस्था जुड़ी हो वहां से तुम्हारा काम बन जाए। इसलिए नेटवर्क बहुत सारे गाड़ना पड़ रहा है। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना भैया, जब BSNL आ गया था तो आइडिया की क्या जरूरत थी? आइडिया आ गया था तो एयरटेल की क्या आवश्यकता थी? और जब एयरटेल आ गया तो जियो की क्या आवश्यकता थी भाई? तो ये हमारा समझाने का तरीका है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। हमें लगता है यदि किसी का भूत से संबंध है तो भूत नेटवर्क से उसकी जानकारी आए और वो भूत ही उसकी समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के भूतों की स्थापना भी कर रहा हूं। आप लोग कहेंगे वे भूत कौन है? तो जो पंच तत्व के शरीर में इस मृत लोक पर जिनको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो भूतकाल के देव हैं, जो पुरुष थे, जो इस समय देवंत हैं, देव हैं, पितर हैं और आपकी आस्था के केंद्र हैं, जैसे आपने कहा समाधि वाले बाबा, आपने कहा श्री हाथीवान महाराज, आपने कहा धूने वाले दद्दा जो महाराष्ट्र में है, आपने कहा सेडी वाले साईं बाबा, जितने भी पीर पैगंबर भगवत दूत भगवान के बीच के जो साधक गण है, जो संसार में आए हैं, जो एक दूसरे के गुरु हैं, जो पंडोकर धाम नहीं आते थे क्या उसके पहले किसी का गुरु नहीं था? हर घर में एक गुरु परंपरा है। दादाजी किसी संत के, किसी महंत के, किसी महापुरुष के, ब्राह्मण के, संत के दीक्षा प्राप्त है और उनको भगवान की तुल्य मानते हैं और मानते आए और मानना भी चाहिए, जिससे जहां से जिसका कल्याण होता है, जो मार्गदर्शन करता है उसके लिए परमात्मा स्वरूप वही है। हमारे यहां कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काय के लागे पांव, गुरु बलियारी आपके गोविंदो बताएं। तो गुरु ही आपको सच्चा मार्ग और सच्चा दिशा की ओर देता है। तो हमने यहां पर सर्वधर्म संभव सर्व जाति पंथ समुदाय के देवताओं की स्थापना, वो महापुरुष सदगुरुओं की चित्र छाया, उनका जो चित्र है इसलिए रखा जाएगा कि उनको यहां देखते ही उनकी लगेगा कि मेरे गुरुजी की भी फोटो यहां रखी है, अब तो मेरा काम सुनिश्चित है। जब आत्मा प्रसन्न हो जाती है तो आधी बीमारी समाप्त हो जाती है, जब आत्मा खुश हो जाती है तो उसका आधा समाधान प्राप्त सुता ही हो जाता है। और फिर हमारे यहां तो 33 करोड़ संख्या दी गई देवताओं की, 33 देवों को 33 करोड़ों की संख्या में बदला गया है। एक देव 1 करोड़ के बराबर है। 1 करोड़ वाले जानते हो 1 करोड़ में कितने देवता होते हैं? 100 करोड़, 1 करोड़ अपन जानते नहीं, बता दीजिएगा कितने होते महाराज जी? महाराज जी सही बोल रहे। तो एक देवंत हमारे यहां 1 करोड़ देवताओं के बराबर है। ये तो 33 करोड़ है, 33 करोड़ मतलब संख्या 33 है और 33 करोड़ में ऋषियों ने स्थापित कर दिया। एक देव, एक किसी देवता की, एक किसी वसु की,
ये किसी रुद्र की यदि कृपा आप पे हो जाए तो ये भूतों प्रेतों की क्या औखाद है कि वो देवता को कुछ बिगाड़ दे। और फिर हनुमंतलाल जी मां तो 11वें रुद्र है, नंदी रूप है, वो नंदी रूप रावण जानता था कि जब जब रामा दल में वो युद्ध करने आया तब तो कहते था कि हमें ना राम से युद्ध करना है ना लक्ष्मण से युद्ध करना है, हमें तो वो व्यक्ति को दिखा दो जो लंका में पहली बार आया था। और रावण को एक ठूसा याद रहा है, बड़े बड़े योद्धा साक्षात नारायण के सामना नहीं करना था, वो देखना था वो है कौन। तो तुम उन देवताओं के पास बैठे, यो रुद्र के पास बैठे हैं जो 11वें रुद्र हैं, नंदी मुख। यही नंदी मुख को रावण ने अपमान किया था, तो भगवान 10 मुख से तो रावण के साथ थे, लेकिन 11वें रुद्र का जो अपमान किया था वही रूप लेकर के भगवान शंकर स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट हुए और रावण का इंकार समाप्त कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आप सबको क्या करना है, हनुमान जी के अधीनस्थ हैं, और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो उसका कोई वाल वांका भी नहीं कर सकता।